हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभिजय क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजू तिवारी। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ऑर्गेनिक कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिएजेंट को यूज करके। इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आप एरोमेटिक से एलिफैटिक, एलिफैटिक से एरोमेटिक भी बना सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होते हैं रिएजेंट। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन हम तभी कर पाएंगे जब हम एक बार ये जान जाएं कि कौन सा रिएजेंट किस पर्टिकुलर काम के लिए यूज होता है और फंक्शनल ग्रुप कैसे कन्वर्ट होते हैं दूसरे में। तो पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कैसे उसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है। जल्दी यहाँ पे तो सबसे पहले कंपाउंड जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हेलाइड, ठीक है, आर एक्स। ठीक है, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो हेलाइड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्केल हेलाइड के बाद हम पढ़ते हैं एल्कोहल। एल्कोहल से अगर आगे चले जाएं तो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड होता है। एल्कोहल को सिंपली हम आर ओ एच से लिखते हैं। एल्डिहाइड को सिंपली हम आर सी एच ओ या कीटोन, आर सी ओ ठीक है। इससे आगे बढ़े तो हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम हैलाइड देखने से पहले पहले देखते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में क्या रिलेशन है, कैसे यहाँ पे हम पहुंच सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपली हम CH3 CH2OH। दोस्तों, इसका नाम है इथेनॉल, एल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल सबसे इजी एग्जाम्पल है। इसका सिंपल एग्जाम्पल CH3 CH4 ले लेते हैं, एसीटाल्डिहाइड बोलते हैं इसको। और इसका सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला आप यूं कह सकते हो कि आर सी ओ एक्स, ठीक है, जहां पे एक्स इक्वल टू ओ आर हो जाए तो ईस्टर बन जाएगा, NH2 हो जाए तो एमाइल बन जाएगा, सीएल हो जाए तो हैलाइड। CLBr एसिड एमाइड, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम देखें इसको तो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो अगर ये जानना हमें इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या है तो हमें ये ग्रुप देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब इस कंपाउंड इसमें देखने पे क्या पता चलता है हमको, अगर इसे थोड़ा ओपन करें हम तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है सी डबल बॉन्ड ओ एच ये, ठीक है, यहाँ पे CH2OH है, मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपके पास दो एच थे है ना,
उसमें से एक एच यहां से कम हो गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड से निकलने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। किसी कंपाउंड से अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रिलेशन है? तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो अगर जो डिफरेंस है वो ये दिख रहा है हमें, सब कुछ तो सेम है, डिफरेंस ये है कि जो ये एच है आपका वो रिप्लेस हो गया है एक OH ग्रुप के साथ में। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फिर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हमने शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का हटना किसी कंपाउंड से ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब यह हुआ कि एल्डिहाइड भी फर्दर ऑक्सीडेशन पे क्या दे रहा है हमको, एसिड दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे भी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो जनरली क्या होता है, अगर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है आपको वो एसिड मिलता है जनरली, डायरेक्टली यू कैन गेट एसिड फ्रॉम एल्कोहल जस्ट बाय ऑक्सीडाइजिंग यूजिंग रिएजेंट KNO4। तो इस काम के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम? करते हैं KMnO4R K2Cr2O7PdCl4। ठीक, अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सर एल्कोहल से हमें एसिड मिल रहा है तो एल्डिहाइड क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, तो एल्डिहाइड एक अलग कैटेगरी कंपाउंड है, वे भी एग्जिस्ट करता बनता है, और एल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको जो रिएजेंट यूज करना पड़ेगा वो सिलेक्टिव रिएजेंट का, उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम है। तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? PCC। क्या यूज करते हैं? PCC, पिरिडियम क्रोम। ठीक है, PCC। तो PCC को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट। क्या बोलते हैं? पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, इसका नाम है पिरिडिनियम PYRIDINIUM, पिरिडिनियम CHLORO क्लोरो CHRO। तो जब हम एल्कोहल के साथ में PCC यूज करेंगे तो सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन KNO4 या K2Cr2O7 यूज करेंगे तो हमको एसिड मिलेगा। अब अगर ये एसिड हमें मिल गया एक बार, तो इस एसिड से नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स बना सकते हैं इसके हम। कैसे? सिंपल, अगर अमोनिया यूज कर लें उसको बर्न करें तो ये बन जाएगा, बन जाएगा CH3CONH2, इसमें PCl5 या SOCl2 यूज कर रहे हैं हम, तो बन जाएगा CH3COCl। अगर यहाँ पे कोई एल्कोहल यूज करें हम R-OH, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3COOR। इस
रजिस्टर बोलते हैं इसको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्कोहल से एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके तमाम डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे? सिंपल बाय ऑक्सीडेशन। तो हमने ऊपर लिखा था अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का क्या यूज करेंगे? तो हमें पता है अल्काइल हैलाइड और इसमें डिफरेंस किसका, OH का डिफरेंस है हमारे पास सिंपली। तो इस अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल? तो RH को OH से रिप्लेस कर देगा, तो ये अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बना लिया। अब यहाँ पे एक कंपाउंड और था, वो हमने देखा था कीटोन। तो कीटोन के लिए देखो एल्डिहाइड का ही तरीके का स्पेशल क्लास है। कैसे स्पेशल क्लास है? अगर इस H को एक CH3 या किसी उससे रिप्लेस कर दो तो ये एल्डिहाइड आपका कीटोन बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये अल्कोहल ले रहे हैं हम, इसी को अगर हम इस तरीके का ले लें CH3 CH2 CH3 CH4H, मतलब कौन सा अल्कोहल हो गया? प्राइमरी अल्कोहल था या सेकेंडरी अल्कोहल है? अगर इसको ऑक्सीडाइज करें ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगा हमें? CH3CO3H2। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें TCC तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर KNO4 या K2Cr2O7 से करें तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर अपने डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हमें जरूरत है तो। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी का मतलब होता है जो भी फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा हो उससे दो कार्बन जुड़े हों, वो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा आपका। अगर उसका ऑक्सीडेशन करें तो हमें एसीटोन मिलता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। फर्दर ऑक्सीडेशन होने के लिए जरूरी क्या है? उसके पास में एक्टिव एच होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन एटम होना चाहिए उस ग्रुप जुड़ा हुआ जिसे हम रिप्लेस कर पाए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर हम उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ इसी के पास में कोई एच नहीं है, इसी के पास में कोई एच नहीं है, इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बना लिया हमने। अब इसी एल्डिहाइड में एक क्लास और होता है, यहाँ पे क्या होता है? इसको हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। आर एन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एमीन, और दोनों में सिमिलरिटी है। तो इस RH को एमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली यूजिंग रिएजेंट NaNH2। ठीक है, ये सिंपल हाइड्रोलिसिस से भी मिल जाएगा आपको, हाइड्रोलिसिस H2O। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड तो उससे बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इस अल्काइल हैलाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीन में, जिसको बोलते हैं सिंपली RNH2। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि जो ये RNH2 है, अच्छा एक और चीज देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे हमने आर से स्टार्ट किया है। किससे स्टार्ट किया हमने? हम R से स्टार्ट किए हैं, यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, R C
और यहाँ पे भी आर है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है इसमें, कहीं कोई कार्बन घटा बढ़ा नहीं। सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन किया है हमने यहाँ पे। एक बार आपके पास एमीन बन जाए यहाँ पे, एक और कंपाउंड बना लेते हैं यहीं पे इसी आर एक्स के साथ। अगर इसका रिएक्शन KCl से करवा दिया जाए, ठीक है, या NaCl यूज कर सकते हो सिंपली, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो यहां से इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा थोड़ा, आर सी एल बन जाएगा, आर सी एल बन जाएगा। अब इसमें इसमें देखो एक कार्बन इंक्रीज कर दिया, क्या कर गया, एक कार्बन इंक्रीज कर दिया। तो अभी इसके फॉर अ मोमेंट थोड़ी देर के लिए इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और एक बार वापस देखते हैं कि और क्या है हमारे पास, कि कैसे और हम यहाँ पे आ सकते हैं, कोई और तरीका है हमारे पास यहाँ पे आने के लिए या नहीं है, या इसका आगे फर्दर हम कन्वर्जन क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस चीजों को हम देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, इस आर एक्स से प्राइमरी एमीन बनाने के लिए NaNH2 के बजाय अगर प्राइमरी एमीन है तो आपके पास एक सिंथेसिस गैब्रियल एमीन सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होता है, वो भी यूज करके आप प्राइमरी एमीन यहाँ पे सिंपली बना सकते हो। ठीक है, तो भी आगे देखेंगे और जब एमीन देखेंगे देखेंगे उसके और मेथड है, सिंपलिसिटी के लिए हमने ये यूज कर लिया है। ठीक है, लेकिन इनके साथ प्राइमरी एमीन ऑनली, then you can use Gabriel thalamide. ठीक है, अच्छा, अब ये जो आर सी एम बनाया था हमने, अगर इस आर सी एम का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस H3O प्लस डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R CO, बोलो अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एमाइड बनेगा या एसिड बनेगा, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। आरसीएम का हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड बन जाएगा, लेकिन इसी आरसीएम का अगर हम रिडक्शन कर दें, रिडक्शन रिडक्शन करने के लिए एजेंट बन गए ए एल आई एल एच फोर, ये बन जाएगा आर सी एच टू एन एच टू, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर इसमें एक पर्टिकुलर एजेंट यूज कर लें जिसका नाम होता है डाइबाल, डाइबाल, तो ये बन जाएगा आर एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो इस रिएक्शन को हमने क्यों लिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये इसलिए थी क्योंकि इसमें एक ही कंपाउंड से आपको एसिड मिल जाता था, एक ही कंपाउंड से आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा और एक ही कंपाउंड से आपको एमीन मिल जाएगा। और इन सब की खासियत ये होगी, सब में एक कार्बन अधिक होगा नाइट्रोजन पे, आरसीएम पे हमने देखा कि आरसीएम का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो एसिड दे देगा आरसीओएच, उसका रिडक्शन करते हैं एलआईएलएच4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके तो हमें सिंपली एमीन दे देगा, अगर डाइबाल से रिडक्शन करें उसका तो हमें एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, इस एल्डिहाइड का हम आगे रिडक्शन करके अल्कोहल या ऑक्सीडेशन करके एसिड बना सकते हैं, क्या करके ये एल्डिहाइड मिल गया हमें यहाँ पे, ये बीच में पड़ा था एल्डिहाइड बीच में था ना, इस एल्डिहाइड से हम अल्कोहल
CH2O है, और एसिड R C2O बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके को हमने सिंपल एल्केल एलाइड से स्टार्ट किया, एल्केल एलाइड से हमने अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर दिया यूजिंग PCC। ठीक है, पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट हमने एल्डिहाइड बना लिया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जिसमें एनाइड था एस्टर था, ठीक है, और सल्फोनाइड थे हमारे पास, तो हमने यहाँ बना लिया था अमोनिया BCl5 एसोसिएट किया रिएक्शन करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज देखा था हमने कि अल्काइल हैलाइड इनटू एमीन एंड नाइट्रिल एजेंट, एमीन बना दिया हमने, NaNH2 यूज कर दिया, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यूज कर दिया। दूसरा अगर हम KCN ने NaCN यूज करके आर्सेनिक बना ले तो आर्सेनिक तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें आप देखो तो इसमें एक नया कार्बन ऐड हो जा रहा है, एक कार्बन ऐड होने की वजह से आपको ये पार्शियलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आप दो कार्बन से स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन में आपसे तीन कार्बन का एसिड बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए या कुछ और पूछा गया है तो आप उसी ये बना सकते हो, या आपसे किसी ने दो कार्बन का एल्काइल हैलाइड दिया, वो आपसे कहा तीन कार्बन का एल्काइल हैलाइड बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? तो आप वहां से देख सकते हो कि आपने वहां से RCN बना लिया है, RCN से सिंपली आपके पास RCHO बन जा रहा है, RCHO से आप एल्कोहल बना लोगे, एल्कोहल बनाने के बाद में आप फिर से दोबारा जाकर के एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे एक और वो है कि एल्कोहल भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग SO2Cl2। ठीक है, यूजिंग SO2Cl2 आप एल्कोहल को भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दो से तीन कार्बन, इस तरीके से एक कार्बन आप यहाँ सिंपली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल था, एक कार्बन या बिना किसी कार्बन के ऐड करने के आप कैसे इंटरकन्वर्जन कर सकते हो फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो इसको हम एक बार एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, उससे पहले हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ ज्यादा अच्छा होगा ना।
देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH2 Br से आपको बनाना है CH2 Br। देखो क्या है इसमें, तीन कार्बन सेम ग्रुप, मतलब एक कार्बन अगर आप इसमें ऐड कर दो तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। एक कार्बन ऐड करने के लिए हमने क्या सिखाया था, इसका रिएक्शन अगर सिंपली NaCl से कर दो तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 CN बन जाएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, सीएन का क्या करें, LiNH4H ले ले, एमिन बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड बन जाएगा, डायबाल ले तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एसिड एल्डिहाइड दोनों में से कोई जो आप चाहो जो आप पसंद है वो बना सकते हो, तो डायबाल ले ले रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 सिंपल हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है दोस्तों। अब चाहिए एल्डिहाइड चाहिए एसिड ले, इन दोनों का अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, LiAlH4, तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, होगा क्लियर। अब हमने बताया था कि एल्कोहल का रिएक्शन अगर आप करवा दो PH2 PBr2 से तो ये बन जाएगा OH, रिप्लेस हो जाएगा Br से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4 स्टेप में आपने ये बना लिया। कोई कह सकता है डाइबाल या इसमें आपको प्रेफर क्या करना है, तो मैं प्रेफर सेकेंड वाले रूट को करूंगा, तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा सेकेंड वाले रूट को, क्योंकि एल्डिहाइड कई बार सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर भी एसिड बन जाता है, और डाइबाल एक महंगा रिएजेंट भी।